أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي

हमारे गुनाह माफ़ कर दे और हमें अज़ाब आग के अजाब से बचा ले बहुत सिंपल सी दुआ है और इसकी कुछ जो पीसेज़ हैं एलिमेंट्स हैं वो पिछली दुआओं में भी आ चुके हैं हमने रबना आती फ़िर दुनिया हसना हो फिर आखरती हसना वकीन आदा बनार वहाँ भी देखा था यहाँ भी वकीन आहदा बनार दोबारा आया है इसतफ़ार की दुआ पहले हम देख चुके हैं आमन आमनसूल में ईमान की बात आ चुकी है तो पहले जो बकरा में जो जो एलिमेंट्स हमने देखे थे उसके कुछ कुछ पीसेस इस दुआ के अंदर भी हैं हम ईमान ले आए इसलिए हमारी मफफ़लत कीजिए और हमारे और हमारे गुनाहों को माफ़ कीजिए और हमें आग के अजाब से बचा बचा लीजिए लेकिन इस दुआ की जो खूसियत है वो दोबारा मैं उसी बात को रिपीट करता हूँ कॉन्टेक्स में है यहाँ बात क्या कही जा रही है और किस ज़मिन में ये लोग दुआ कर रहे हैं और इन लोगों की दुआ इस ये आम अल्फाज ख़ास कैसे हो गए उसको समझने के लिए पहले इमरान का जो ये हिस्सा है इसमें अल्लाह ताला ने इंसान को जो चीज़ें दुनिया में चाहिए होती हैं जिसके पीछे वो पड़ा होता है और सारी ज़िंदगी अपनी खपा देता है उसका एक ख़ुलासा दिया है वो है आयत नंबर चौदह में जुयन सी हब्बुल शाहवाती मीनिस मर्दों के लिए औरतों से शहवद की ख्वाहिश अल्लाह तूबसूरत बना दी वलबन और औलाद की औलाद की ख्वाहिश और बड़े बड़े ढेर लगे हों आ, सोने के और चांदी के यानी इन्वेस्टमेंट्स और पैसे वल मुसवमा और घोड़े जिन पे मोहर लगी हो और उससे मुराद क्या है सवारी जिस पे मोहर लगी हो और उस ज़माने में सवारी पे मोहर लगती थी और अब गाड़ियों पे मोहर लगती है ब्रांड होती है फरारी होती है मर्सिडीज़ होती है उनकी अपनी मोहर लगी होती है उस ज़माने में हॉर्सेस थे अब हॉर्स पावर होती है बात एक ही हो रही है फिर भी वल अन और उस ज़माने की बात हो रही है अन यानी आपके मवेशी गाय भेड़ बकरियाँ वगैरह और उसको समझने की क्या ज़रूरत है कि कुरान उस जमाने के लोगों से बात कर रहा है लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल करता है उसको हमें समझना चाहिए कि अगर उस ऑडियंस से बात हो रही थी तो ये अल्फ़ाज इस्तेमाल हुए हैं लेकिन उसका इक्विवेलेंट उसका उसका मुकाबल हमारे दौर में क्या होगा तो अन जो जो गाय वग़ैरह थी वो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स थी वो उनके बिज़नेस एसेट्स थे यानी आप उसको गाय को इस्तेमाल करते हैं उसका दूध लेते हैं उससे उससे खेत में काम करवाते हैं तो आप अगर फैक्ट्री चला रहे हैं तो आपका जो फैक्ट्री इक्विपमेंट है वो आपके अनाम है आजकल अगर आपकी टैक्सी लिमोजीन सर्विस है तो जो गाड़ियां हैं आपकी वो आपके अनाम है अगर आप मैकेनिक हैं तो जो सारे आपके टूल्स वगैरह हैं वो आपके अन है यानी वो चीज़ें जिनके ज़रिए से आप अपनी आमदनी कमाते हो और उनकी अपनी एक वैल्यू है उससे आमदनी आपकी बनती है बनती है लेकिन उसके ज़रिए से आपका बिज़नेस आगे चलता है और आपका काम आगे बढ़ता है तो और उससे मज़ीद फिर आपकी एक्सपेंशन और ग्रोथ होती है तो इसी तरह आजकल आपके इनाम जो हैं अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपका कंप्यूटर भी उसी के अंदर आता है आपकी गाड़ी भी उसी के अंदर आती है जो 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 टूल्स जो मैकेनिज़म्स आप इस्तेमाल करते हैं जिनके ज़रिए से आपकी आमदनी बनती है उसका हमें शौक होता है इसलिए हमें शौक़ होता है कि नया से नया कंप्यूटर लें नया नई से नई गाड़ी हो नया से नया अगर ऑफिस है तो नया उसमें फ़र्नीचर लगवाएं और चीज़ें हो तो ये सारी चीज़ें अन के अंदर आ जाती हैं वल वल अन वल हर्थ और हर्थ कहते हैं यानी खेती का जो आखिरी हिस्सा होता है जब सारा साल आ, किसान ने मेहनत की होती है और आखिर में जाकर उसने काटना होता है उसको हर्थ कहा जाता है यानी जो जिसको इंग्लिश में कहेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं जो पैसे कहीं डाले हुए हैं उसकी वैल्यू बढ़ी है और आपने उसका उसका, उसका आपको फ़ायदा मिला है आगे आकर और फिर आप उसको री इन्वेस्ट करते हो फिर उसका मजीद फ़ायदा होता है जिस तरह खेत में हर्स्त में होता है आप, आप, आपको खेती मिलती है उसका बीज आप निकालते हो बीज को दोबारा बोते हो फिर मज़ीद इन्वेस्टमेंट होती है मजीद इन्वेस्टमेंट होती है जो रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसकी तरफ़ इशारा कर दिया कि हर्स्त में तो यहाँ पर अदाल ने एक लिस्ट बना दी है औरतों की यानी हमारी हमारी शहवत की उसके बाद औलाद की फिर पैसों की किसी हमारे पैसे हों और ढेर लगे हों ढेर ढेर से मुराद ये है कि इतना हो कि आप पूरी ज़िंदगी लगा दो आप, आपसे ख़र्च नहीं होगा इतना चाहिए होता है इंसान को और फिर उसके बाद सवारी अच्छी हो स्टेटस सिंबल हो बिज़नेस हो इन्वेस्टमेंट्स हों ये सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को बिज़ी रखती हैं जिला का मतअल हयात दुनिया वो ये ये सब चीज़ें हैं जो दुनिया में इस्तेमाल करने की हैं और दुनिया में इन्जॉय करने की है मता के अरबी में लफ अरबी में दो मायने होते हैं एक तो इस्तेमाल करने की चीज़ और एक एंजॉय करने की चीज़ मज़ा करने की चीज़ तो ये दोनों चीज़ों से को, को इंसान यूज़ भी करता है और इन से मज़ा भी लेता है वल्लाहु आंद होम आब और अल्लाह ताला के पास सबसे खूबसूरत लौटाई जाने वाली चीज़ है कुल उनब भी मिन भी फिर अल्लाह तैयार ने कहा कह दो इन लोगों से यानी सब से कहा कि ये तो सब इंसान इसके पीछे पड़े हैं और ये चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर डाली है जीन लिन्नास उसके अंदर डाली गई है यानी ये हम हमने अपनी तरफ से ये ख्वाहिशात नहीं पैदा कें ये प्री प्रोग्रामड हमारे अंदर आई हैं हमारी वायरिंग इसी किस्म की है हमारी प्रोग्रामिंग इसी किस्म की है कि हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं तो अल्लाह ने कहा कि उनसे कहो क्या मैं तुम्हें बताऊँ मिन खैरम इन सबसे अच्छा क्या है लजीनत तको जिन लो, खास कर जो लोग अपने आप को बचा के रखें यहाँ क्या मुराद है तकवे से तकवे से मुराद है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को बचा के रखो और ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें सबसे सबसे फ़ायदा उठाओ लेकिन तकवे के दायरे के अंदर अंदर तो जो लोग इन शहवतों को अपने सामने रखते हुए भी अल्लाह के दायरे के अंदर अंदर ही रहे तो उनके लिए क्या फ़ायदा है अहमद रब जन्नत उन तजरीब उन तहती हलनहार उनके लिए उनके रब के पास बड़े बड़े बाग हैं बहुत सारे बाग हैं जिनके नीचे से दरिया रहे होंगे खालिदी नफीहा जिसमें वो हमेशा रहेंगे व अजवाज व मतहरत और पाक की हुई अजवाज होंगी उनकी मिन अल्लाह और सबसे बढ़ कर जो आखिर में बात की है वह है वा मिन अल्लाह और ख़ूब रज़ामंदी होगी अल्लाह ताला की तरफ से यानी अल्लाह उनसे खुश होंगे तो यहाँ पर शुरू में कहा सबसे बेहतर क्या है कि तुम्हारे पास बाघ होंगे अब बाघ में वो सारी चीज़ें आ गई जो जो पहले चाहिए थी फिर अजवाज मतःहरा भी आ गई ठीक है वो वो सब हो गया लेकिन उसके बाद अल्लाह ताली ने जो अजीम इनाम दिया है ज़ाहित में वह क्या है कि मेरा रब मुझसे खुश होगा मुझसे राज़ी होगा यह देखिए होता है कि कभी ना मैं आपको साइकोलॉजिकल मिसाल देता हूँ इसकी नफसयाती मिसाल देता हूँ कि लड़का है कॉलेज स्टूडेंट है उसके बड़े अच्छे स्कोर्स वगैरह आ रहे हैं सारे टीचर्स उससे इम्प्रेस हैं फिर उसके बाद वो ग्रेजुएट होता है उसकी जॉब लगती है जॉब में भी वो टॉप पर है सारे उससे बहुत इंप्रेस हैं दुनिया सोसाइटी उससे इम्प्रेस है लेकिन उसका बाप उससे इंप्रेस नहीं है उसका बाप उसको कहता है कि तुम भी पता नहीं क्या अपना सारा करियर बर्बाद कर रहे हो फल बेकार चीज़ में डिग्री की है बेकार किस्म की जॉब की है तुमने क्या किया अपनी ज़िंदगी में यानी बाप उसको वैलिडेट नहीं करता तो उसको जितने भी लोग तारीफ़ करते रहें जितना भी लोग उसको अच्छा समझते रहें जितना भी लोग उससे इम्प्रेस हों वो अपने आप से फिर भी उसके अंदर एक एक वॉइड रहता है एक एक खलल रहता है अंदर से एक सुराख रहता है उसके दिल के अंदर जो कोई भी फिल नहीं कर सकता पुर नहीं कर सकता लेकिन एक दिन उसका फादर वो अगर मिलीनियर भी बन जाए दुनिया जहाँ उससे इम्प्रेस हो सारी दुनिया में जो लोग जिस चीज़ का ख़्वाब देखते हैं वो सब उसके पास हैं लेकिन उसके अंदर दिल में फिर भी एक कुछ कुछ चीज़ रह गई है उसकी डिप्रेशन सी है और एक दिन उसका वालिद उसके पास आता है उसके कंधे पे अपना हाथ रखता है कहता है बेटा मुझे तुम पे बहुत फ़ख्र है तुम्हें तुमने वाकई बड़ी अजीम अजीम अकॉम्पलिशमेंट्स की हैं अपनी ज़िंदगी में वो एक चीज़ जो है ना वो सारी एकम्प्लीमेंट अकॉम्समेंट से भारी है को उसकी कोई डिग्री कोई प्रमोशन कोई इन्वेस्टमेंट्स कोई पैसे कोई गाड़ी कोई कोई घर वो सारी चीज़ें एक तरफ और वो बाप के एक दो लफ्ज़ दूसरी तरफ ये बाप का असर होता है या माँ का असर होता है ये जो आपकी कभी कभी होता है ज़िंदगी में इंसान किसी एक के पीछे लगा होता है कि किसी तरह ये मुझे मुझसे राजी हो जाए और ये बहुत तकलीफ़ देने वाली चीज़ होती है कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिनको आप राज़ी करने के लिए सारी ज़िंदगी गुजार देते हो लेकिन वो आपको ये फीलिंग देने को तैयार ही नहीं होती कि वो आपसे राज़ी हैं अगर होंगे भी तो नहीं बताएँगे हमारे कल्चर में ख़ास ये मर्ज़ है कि हम बताते नहीं हैं अगर माँ बाप ऐसा करेंगे कि सबसे जा तारीफ़ें कर देंगे मेरा बेटा तो ऐसा है मेरी बेटी तो ऐसी बहुत अच्छी है बहुत ज़बरदस्त सही है वो बेटा घर पे बेटी घर पे आएगी तो तनकीद के अलावा कुछ करना ही नहीं है कभी ये भी नहीं कह देना आई लव यू बेटा आई एम प्राउड ऑफ़ यू ये नहीं कह देना इससे बहुत तकलीफ हो जाएगी नहीं बिगड़ जाएंगे वरना हमारा ये, 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 ये अजीब सा ये हमारा मर्ज है कि हम अपने अपनी औलाद को वैलिडेशन नहीं देते हमें तनकीद करने का शौक़ है यहाँ पर अतार ने एक बड़ी प्यारी बात बताई है कि ये सारी चीज़ें तो हैं ये तो हैं लेकिन इसके सब के अलावा एक चीज़ जो अल्लाह ताला की तरफ़ से आएगी ना जो इन सब पर भारी हो जाएगी कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा रब तुमसे राज़ी है तो ये जो मटीरियल चीज़ें हैं इनसे कहीं बढ़ कर है हमारे रब की रजामंदी और इससे एक अल्लाह ताला ने हमें एक लिब्रेशन दी है क्या मुझे मैं ज़िंदगी गुजार देता हूँ किसी को खुश करने में रज़ा करने में अरबों के यहाँ कहावत है रिबा न्यासी हायतु उदरक वो कहते हैं लोगों को खुश करना ऐसी खाई है जिसका जिसकी तह पर आप कभी पहुंच नहीं सकते <laughs> तो हो सकता है बीवी -बी सारी ज़िंदगी गुजार दे शोहर को खुश करने में वो खुश हो नहीं सकता उसको नहीं होना खुश उसने करना उसने तनकीद ही करनी है वो आप उसके लिए सबसे बेहतरीन खाना बना दे लोग फ्लाइट लेके आए आपका खाना खाने शोहर कहेगा इसमें नमक कम है इसमें नमक ज़्यादा है इसमें ये नहीं है इसमें वो नहीं है वो क्यों नहीं बना दिया ये क्यों नहीं बना दिया उसको नहीं होगा सेटिसफाई नहीं होगा कभी कोई बीवी होगी आप जो भी कर लो जो भी कर लो उसने खुश नहीं हो देना उसमें सेटिसफाई नहीं होना कुछ होते हैं लोग जो नहीं आपको आपको वो देना नहीं चाहते उनको पता है यही चीज़ एक आपको चाहिए वही मैंने नहीं देनी लेकिन हमारा रब इस तरह हमारे साथ नहीं करता इस तरह की कंजूसी इंसान करते हैं अगर हमारा रब नहीं करता आपने गलतियों समेत जो कुछ भी करने की कोशिश की यहाँ पे अजीम आयत इसकी खूबसूरती क्या है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे लिए दुनिया में ये चीज़ें खूबसूरत बना दी गई हैं जिनके पीछे दुनिया जहान पड़ी हुई है बस तुम थोड़ा सा तकवा कर लो इन चीज़ों के पीछे तुम्हारा तुम्हारा भी दिल चाहता है इन चीज़ों का कोई बात नहीं जाओ इन चीज़ों के पीछे लेकिन तकबे के दायरे में रहो तो फिर देखना तुम्हें क्या मिलेगा ये भी मिल जाएगा तकबे के दायरे में और इसके अलावा आखिर में मैं जन्नत भी दूँगा अजवाजुमतार भी दूँगा और उसके ऊपर सबसे ऊपर मैं तुमसे रज़ामंद हूँ यानी अल्लाह को राज़ी करना कोई मुश्किल काम नहीं है उसने कोई इतना ऊंचा हाई स्टैंडर्ड नहीं बनाया कि वो नहीं करूँगा तो अल्लाह राज़ी नहीं होगा अल्लाह ताला को खुश करना राज़ी करना बहुत आसान है वो रिदवान अमीन अल्लाह वाहिरबाद और अल्लाह अपने बंदों पर नज़र रखे हुए हैं अल्लाह अपने बंदों को ख़ूब देख रहा है और कौन से हैं वो बंदे ये यानी इन बंदों की बात हो रही है जो जिनसे अल्लाह राज़ी हैं वो कौन है अजीन या कुलून और अब ना उस दुआ पर आ गए एक ये कुछ आयत थी इस दुआ से पहले और एक आयत होगी इस दुआ के बाद इसको देखेंगे तो पूरी दुआ का कॉन्टेक्स्ट मुकम्मल समझ में आएगा वो लोग जो कहते हैं कि हम हमारे रब हम ही मान ले आए यानी हम ईमान मान आए कि आपने जो कहा है ना कि जिस दायरे में रहो उसी में हम रहेंगे हम ईमान मान आए कि जो आपके नबी ने नसीहत की है वो सही की है वही हमारी खैर है उसी में हमारी खैर है हम मान गए हम मान गए कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो आर्जी है टम्प्रेरी है उसको हम इंजॉय करेंगे लेकिन उसमें ऐसे नहीं पड़ जाएंगे कि आखिरत के बारे में भूल जाएंगे हम ईमान ले आए लेकिन इम, इस ईमान लाने के बावजूद हमसे भी गलतियां होती हैं हम आगे हो जाते हैं पीछे हो जाते हैं कभी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें हमें नदामत होती है खुद पर आर आती है कि कैसे ये हरकत कर दी मैंने कैसे मैं इस तरह गिर गया कैसे मैं इस तरह गिर गई तो फ़्फिलना जनूब बना तो इसलिए हम ईमान ले आए हैं इसीलिए हमारी ग़लतियों को माफ़ कर दीजिए यानी ईमान ले आने से ये नहीं होता कि ग़लतियाँ नहीं होंगी गलतियाँ होंगी और गलतियों का इतराफ़ भी करना पड़ेगा और गलतियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता तो बस मैंने जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया हमारे गुनाह हमारे कई गुना माफ़ कर दें अब गुनाह के लिए यहाँ ज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान में सई ज़म ज़म्ब जर जना किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं गुनाहों के लिए हर और हर लफ्ज़ का एक एक गुनाह के बारे में एक मख्तल पहलू जो है वो सामने आता है ज़म अरबी में निकलता है ज़नब से जन कहते हैं जानवर की दुम को और दुम होती है उसकी उसका जिस जिससे उसको उसको शर्म गाह को यानी जिस जो कोई हरकत करे इंसान जिससे उसको शर्म आती है यानी कोई ऐसी चीज़ करे जिससे वो एम्बेस्ड है कि मैं इससे बेहतर था मैं किस तरह है? अपने आप को मैंने डिसअपॉइंट किया मेरे रब को डिसअपॉइंट किया जिस चीज़ से आपको लगे कि मैं इससे बेहतर कर सकता था और उस पर आपको शर्मिंदगी हो उसको जम कहा जाता है तो यहाँ जुनूब से भी एक इशारा मिल गया हमें कि जब हम दुआ की इस्तार की दुआ कर रहे हैं तो साथ ही हमारे दिल में एक शर्मिंदगी भी है उन चीज़ों की बार के बारे में जो हमने की और शायद ऐसी शर्मिंदगी भी कि मुझे तो एहसास भी नहीं होता कभी कभी कि मैं गलती कर रहा होता हूँ तो उन सबको मैंने जमा करके कह दिया फ़फ्फिल्ल ना फिर कहा वकी ना और उसके मज़ीद ना सिर्फ़ हमें माफ़ कर दीजिए हमें आग के अजाब से बचा लीजिए अच्छा तो ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ये लोग इनसे ये अल्लाह ताला खुश है ये अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि मुझे आग के अजाब से बचा लीजिए यानी वो तकवे के दायरे में रहते हैं लेकिन अपने आप को जन्नत का गारंटीड नहीं समझते वो फिर भी अल्लाह ताला से उम्मीद से दुआ यह मांगते हैं कि हमें बचा लीजिए फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग जो ये लोग दुआ करते हैं ना इन लोगों का एक इनकी शख्सियत पर असर पड़ता है और ये असल बात थी आज करने की आपसे कि अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा यह दुआ करो बल्कि कहा है ये दुआ करो जो जो वाकई में ये दुआ करने वाले हैं मेरे बंदे उनकी शख्सियत एक तरह की होती है तो उस शख्सियत के बारे में अल्लाह ताला ने सतरवीं आयत में हमें बताया ये ये मज़ीद सिफात हैं पहली बसर बिल इबाद अब बंदा अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है उन, उनके ऊपर पूरी उसकी बसारत है पूरी तरह उन पर बसीर है अच्छा ठीक है है वो कौन से बंदे हैं उन बंदों की पहली क्वालिटी क्या है कि वो ये दुआ करते हैं ये पहली क्वालिटी है लेकिन ये सिर्फ पहली क्वालिटी है और क्वालिटीज़ भी हैं दूसरी क्वालिटी है साबरीन इनके अंदर सबर आ जाता है इन्हों वजाना बाद इन फितना तस्वीर में बड़ी प्यारी आयत है हाँ तला कहते हैं हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए फितना बनाया सब्र करोगे यानी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग डालेगा अल्लाह जो जो आपके सबर का भरपूर इम्तहान लेंगे आपसे आपको दिल चाहेगा कि आप चीखो चिल्लाओ कुछ हाजिर जवाबी करो जवाबी कार्रवाई करो भाग जाओ कुछ करो ऐसे लोग ऐसे ऐसे लोग आपको अल्ला आपकी ज़िंदगी में डालेगा और फिर उसी तरह उसी वक्त तो गलती होती है ना जब लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपके सबर का इम्तिहान लेते हैं फिर आपसे ग़लती होती है तो यहाँ जो पहले बात हो रही है ना कि जो अल्लाह अपने बंदों को जानता है एक तरफ तो है जो चीज़ें हम चाहते हैं दूसरी तरफ ज़िंदगी में है जो चीज़ें जिनसे हमें तकलीफ़ होती है जब जिन हम डरते हैं एक चीज़ें हैं पॉजिटिव दुनिया में जो हमें ख़राब कर सकती हैं ये एक दूसरी तरफ नेगेटिव चीज़ें हैं दुनिया में या लोग हैं जो हमें ख़राब कर सकते हैं यहाँ आगे भी आके वो बात हो रही है और कहा पहले असाबरीन कि ये दुआ करने वाले सब्र वाले होते हैं इन्हें पता होता है कि मैंने मैं ईमान ले आया हूँ तो मुझे अब इसका इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैं सब्र करूँगा अदिकिन व सदी ये सच बोलते हैं सच बोलने से कभी कभी बड़ी मुसीबत आ जाती है यार फैमिली में फैमिली में मसले पड़ जाते हैं सच बोलने से लोग सच अपने दिल में बोलते रहते हैं कोई आपसे कोई बात कर रहा है आपके दिल में है कि मैं सच उसको बता दूं लेकिन आप डर के मारे नहीं बोलते ये लोग हैं तो और सादिक ये सच कह देते हैं इन्हें पता है सच कहोगे सीधी बात कहोगे तो फिर अल्लाह मामला साफ़ करेगा वरना नहीं होगा या यूह लदीन अमन वक़ूल कल सदीदन उसको तनूकम ईमान वालों अल्लाह तारा ने कहा है अल्लाह का तकवा इख्तियार करो खुदा का खौफ करो उसका उसको अपने सामने उसका लिहाज करो और बात सीधी सीधी कर दिया करो फिर अल्लाह तुम्हारे मामले ठीक कर देगा अल्लाह ने एक एक, एक कायदा बनाया रूल बनाया है बात सीधी करोगे फिर मामला ठीक होगा बात सीधी नहीं करोगे मामला ठीक नहीं होगा वालौन तीन और जो मा बान, मानने के लिए तैयार हैं जो मान खुशी खुशी मानते हैं बात कौन तीन वालमुनफिक और खर्च करने वाले यानी वो दिल में उनके उनके कंजूसी नहीं है किसी को उनका टाइम चाहिए वो टाइम दे देते दे दे हैं अगर पैसे हैं तो पैसे दे देते हैं मदद है तो मदद दे देते हैं कोई अच्छी नसीहत करनी है तो वही नहीं कहते हैं इसका करूँगा तो इसका फ़ायदा हो जाएगा एक दिन नियमत से आगे निकल जाएगा नहीं वो वो खर्च करते हैं बल मुस्तफ़री बिलसार और फिर आखिर में है और वो सुबह के वक्त में सुबह के वक्त में वो माफ़िया मांगते हैं सुबह का वक्त भी बड़ा अजीब वक्त है सुबह तो आप उठे हो आपने तो पूरी आप तो पूरी रात सोए हो तो एक ही वक्त है जब आप गुनाह नहीं कर रहे होते जब आप सो रहे होते हो तो यानी आप गुना गुना किए बग़ैर आप सारी रात सो के उठे हो और सुबह उठते उठते पहली चीज़ आपने क्या की है इस्तार की है यानी गुना से पहले भी इस्तार गुना के बाद भी इस्तार गलती से पहले भी इस्तार गलती के बाद भी इस्तार इस्तार से अल्लाह ताली के साथ एक रिश्ता जुड़ता है एक नाता बनता है और उसका उस उसका उसका एक बड़ा असर होता है आपका सारा दिन खूबसूरत हो जाएगा आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी आपने शुरू ही इस बात से की है और ये दुनिया में एक एक फ़लसफ़ी सी बात है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जब जब लाया तो उनकी रूहानी शुरुआत कहाँ से हुई रब्बना रबना वलमा अनफसना तखफ वतरहमा उनकी रूहानी शुरुआत हुई इसतार से और इंसान की सुबह जो होती है ना वो हम मौत से उठते हैं यू नोमद्लिना बैदमा अमातना अल्लाह त हमद जिसने हमें नई ज़िंदगी दी मौत देने के बाद यानी हर रात को मौत से तस्बी दी गई है इसका मतलब है जो पहले हुआ वो वो पिछली जिंदगी थी अब नई जिंदगी अगले दिन शुरू हो गई और जब अगले दिन नई जिंदगी शुरू हुई उसकी शुरुआत अपने वालिद की तरह करो अपने यानी आदम की तरह करो इस्तार से जिंदगी शुरू करो ये नई जिंदगी है और ऐसे एक बहुत अहम जो हमें नुकता मिलता है वो ये है कि आपने जो भी गलतियाँ कल की होंगी आपने आज सुबह इसतार की अब ये नया दिन है अब आपकी नई लाइफ है अब वो जो पिछली गलतियाँ हैं उनके बोझ को आपने इसमें नहीं लाना आपने नए सिरे से काम करना है आगे देखना है आगे बढ़ना है क्योंकि आपने इस्तार कर लिया दिल से अपने रब से सुबह में वो आपने कर लिया है अब अब उन चीज़ों के बारे में अब 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 अपने बोझ को भारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है बल मुस्तकफ़ी नबीर अल्ल तला हमें इन लोगों में से बन बनाए जिनसे वो राज़ी है और जो इन तमाम चीज़ों को अपनी शख्सियत में ले आते हैं और लाए रखते हैं बारकल वालकुम फिलकुरआनिल हकीम व नफ़ानी व ईयाकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू